जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के दक्षिणी सिरे यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी की बात करने जा रहे हैं। अगर आप कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, कन्याकुमारी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कन्याकुमारी हमको कौन से समय पे जाना चाहिए, कन्याकुमारी में हमको होटल की क्या व्यवस्था है और इसके कॉस्ट क्या होंगे, कन्याकुमारी में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और अंत में ये भी जानेंगे कि कन्याकुमारी को घूमने के लिए हमको कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है और इनका साधन क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कन्याकुमारी को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको कन्याकुमारी यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम हो। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं सबसे पहली बात कि आपको कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है। दोस्तों कन्याकुमारी पहुंचने के लिए आपके पास तीन मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तो है कन्याकुमारी ही, तो आप अपने शहर से देख लीजिए कि आपको कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप त्रिवेंद्रम होकर भी कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका बाय एयर। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, जो कि केरला की कैपिटल है, और त्रिवेंद्रम से आपको कन्याकुमारी की जो दूरी है ये लगभग आपको 90 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी, और ये 90 किलोमीटर की दूरी या तो आप तय कर सकते हैं बाई बस के द्वारा, या तो फिर आप चाहें तो पर्सनल कैब बुक करके आप कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। 3 घंटे का ये रोड सफर रहेगा और आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। और लास्ट यानी कि तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका बाई बस का। दोस्तों हालांकि कुछ टूरिस्ट जो कन्याकुमारी घूमने जाते हैं तो वो या तो फिर त्रिवेंद्रम होते हुए या फिर केरला ट्रिप करने के बाद या फिर रामेश्वरम ट्रिप करने के बाद वो कन्याकुमारी विजिट करते हैं। तो आपको रामेश्वरम से भी, मदुरई से भी, त्रिवेंद्रम से भी, हर जगह से आपको डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिलेगी कन्याकुमारी के लिए। तो आप चाहें तो ये बस के माध्यम से भी आ सकते हैं, या नहीं तो अगर आप किसी और साउथ के बड़े सिटीज से आ रहे हैं तो वहां से भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है कन्याकुमारी के। चलिए दोस्तों हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम कन्याकुमारी में स्टे कहां करें। दोस्तों कन्याकुमारी बीच, या फिर ये कहना चाहिए जो कन्याकुमारी माता का मंदिर है जिसको अम्मन माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके आसपास यानी कि आधे किलोमीटर के दायरे में आप वहां होटल ले सकते हैं। कन्याकुमारी में आपको ढेर सारे गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे और अच्छे होटल्स भी देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर मैं एक नॉर्मल लॉज या गेस्ट हाउस की बात करूं तो उसका कॉस्ट आपका 500, 600, 700 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। वही अगर आप एक अच्छे होटल लेना चाहते हैं तो 1000, 1200, 1500 इस तरीके से आपको कन्याकुमारी में होटल देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों हालांकि आपको साउथ में मालूम है कि ज्यादा खाने पीने के ऑप्शन नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां चलता है राइस और दाल, लेकिन अगर आप डिमांड करके चपाती भी लेना चाहते हैं तो आपको चपाती भी वो प्रोवाइड करा देंगे। वहां भी आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे जो कि अच्छे क्वालिटी के होटल्स रहते हैं। खाने पीने की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो आपका हार्डली 100 रुपए, 120 रुपए में आप वन टाइम का खाना खा लेंगे, यानी कि थाली सिस्टम की कॉस्ट होती है। तो कन्याकुमारी में आप अपने खाने पीने की व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि कन्याकुमारी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कन्याकुमारी हमको आना कब चाहिए। दोस्तों कन्याकुमारी बेसिकली वन डे सफिशिएंट है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं और बारीकी से एक्सप्लोर करना तो फिर आप 2 दिन का ट्रिप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेन प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं तो आप भली भांति एक दिन में इन सारे स्थान को कवर कर लेंगे, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से स्थान पर आपको विजिट करनी है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी में आपको जाना कब चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है साउथ में गर्मी थोड़ा सा ज्यादा पड़ती है, तो कन्याकुमारी विजिट करने के लिए जो सबसे बेस्ट समय है वो है आपका अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का, क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है आपका विंटर का, और विंटर में वहाँ माहौल भी अच्छा होता है, क्लाइमेट भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ आपको घूमने में भी काफी मजा आएगा। चलिए दोस्तों प्रस्थान करते हैं हम अगले बात की तरफ, यानी कि अब हमको कन्याकुमारी में कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है और इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहला और सबसे मुख्य स्थान जो है दोस्तों वो है आपका कन्याकुमारी माता का मंदिर, जिसको अम्मन माता मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी बीच, जहाँ पे आपको सनसेट पॉइंट भी मिलेगा, उसी के नजदीक में ही है आपके कन्याकुमारी माता का मंदिर। दोस्तों आप माता के मंदिर जाइए, मत्थे टेकिए, दीप से प्रज्वलित माता जी की आपको मूर्ति दिखेगी, जय माता दी कहते हुए आप मंदिर परिसर से बाहर आइए, दर्शन कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा मंदिर परिसर के अंदर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। माता जी के दर्शन कीजिए, जय माता दी कहते हुए मंदिर से बाहर आइए, और आपको प्रस्थान करना है अगले स्थान की तरफ, जो कि सबसे मुख्य स्थान है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों त्रिवेणी संगम पे बना हुआ ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो स्थान है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में 3 दिन तक लगातार मेडिटेशन किया था, और इसी विवेकानंद मेमोरियल के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की एक भव्य स्मारक है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों आपको पहले लेना पड़ेगा कन्याकुमारी बीच से आपको फेरी। दोस्तों फेरी यानी कि जो शिप होती है, जहाज होती है, वो आपको मिलेगी। 70 रुपए इनकी कॉस्ट होती है, और आपको ये कन्याकुमारी बीच से लेके आपको ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि त्रिवेणी संगम पे स्थित है बीचों बीच समुद्र के, वो यहाँ तक ड्रॉप कर देगी। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे मेडिटेशन हॉल भी मिलेगा, यहाँ पे विवेकानंद की स्मारक भी मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कन्याकुमारी माता के चरण पादुका भी मिलेंगे। तो इन तीनों जगहों पर आप विजिट कीजिए जो कि एक ही कैंपस के अंदर है। कुछ समय यहाँ बिताइए, यहाँ से आप पूरे संगम का आनंद उठाइए, जो कि आपके हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और आपका अरब सागर, तीनों का यहाँ पे संगम होता है। तो यहाँ पे भी आप रहिए,
काफी अच्छा आपको लगेगा, फोटोशूट कराइए। और यहाँ से ही आपको आगे बढ़ना है, फिर से फेरी के पास वापस आना है, फेरी में बैठना है और फेरी वाला आपको लेके जाएगा अब थिरुवल्लुवर स्टैचू। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल के थोड़े से पास में ही है थिरुवल्लुवर स्टैचू, जो कि आपको यहाँ पे थिरुवल्लुवर जी की स्टैचू मिलेगी। 133 फीट ऊंची है इनकी प्रतिमा, आपको काफी ज्यादा शोभित करेगी, आपको काफी ज्यादा आकर्षक लगेगा। तो यहाँ भी जाइए, कुछ समय यहाँ व्यतीत कीजिए और यहाँ से भी आपको रॉक मेमोरियल का भी नजारा देखने को मिलेगा, व्यू पॉइंट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको सागर के बीचों बीच में आपको रहकर एक अलग ही अनुभव प्रदान होगा। तो दोस्तों आप यहाँ भी कुछ समय बिताइए और वापस फेरी में बैठिए और आ जाइए आप कन्याकुमारी बीच के पास। और अब आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि अब आपको घूमना है ऑटो से। दोस्तों ऑटो से कौन कौन से स्थान पे घूमना है उसकी बात भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले स्थान की बात करते हैं जो कि आपको कन्याकुमारी विजिट करना है ऑटो से, वो है आपका पद्मनाभपुरम पैलेस। दोस्तों इस पैलेस में आप जाइए, 16वीं शताब्दी का ये पैलेस काफी ज्यादा मनमोहक लगेगा आपको। यहाँ की आर्किटेक्चर, यहाँ की वास्तुकला और यहाँ की जो भी संग्रहालय है वो आपको काफी ज्यादा शोभित करेगी। तो एक बार आप इस पैलेस में जरूर विजिट करिएगा, कुछ समय एक्सप्लोर करके प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका कन्याकुमारी बीच। दोस्तों कन्याकुमारी बीच यानी कि यहाँ पे आपको सनसेट पॉइंट भी मिलेगा। अगर आप इवनिंग के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे एक है व्यू टावर, जो कि व्यू टावर से आपको सनसेट का नजारा काफी ज्यादा शानदार लगेगा। तो दोस्तों आप सनसेट होने से पहले वहाँ पहुंच जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्राउड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है टूरिस्ट की, जिससे आपको बीच के किनारे या फिर व्यू टावर के आसपास आपको जगह नहीं मिलेगी। तो आप पहले से जाइए वहाँ व्यू टावर पे खड़े रहिए और आप सनसेट का नजारा देख सकते हैं। काफी अच्छा लगेगा जब आप भारत के दक्षिण सिरे पे खड़े होकर सनसेट का नजारा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गांधी मंडपम। दोस्तों गांधी मंडपम यहाँ पे गांधी जी की स्मारक भी है और साथ ही साथ ये गांधी मंडपम में वो स्थान है जहाँ पे गांधी जी की अस्थियां को भी विसर्जित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ भी जाइए, यहाँ भी कुछ समय व्यतीत कीजिए। यहाँ गांधी जी का सार भी लिखा गया है, गांधी जी के यहाँ पे कुछ जीवन परिचय भी दी गई है। तो यहाँ पे आप कुछ समय व्यतीत करके प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका सुचिंद्रम टेम्पल। दोस्तों सुचिंद्रम टेम्पल कन्याकुमारी से आपका 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस मंदिर में दोस्तों आपको ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों जन की यहाँ पे आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप दर्शन कीजिए हर हर महादेव कहते हुए। इसी सुचिंद्रम मंदिर में एक और 18 फीट ऊंची बजरंगबली की स्टैचू है, तो इनके भी दर्शन कीजिए। तो सुचिंद्रम टेम्पल में सभी के दर्शन करके आपका डे नंबर 1 कम्प्लीट होता है और वापस होटल में आइए, आप विश्राम कीजिए और आप अपने अपने शहर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं, यानी कि आप 2 दिन रुकना चाहते हैं, तो दूसरे दिन भी आपको कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है उसके मैं यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ। जिसमें से पहला आपका आता है वट्टाकोट्टई फोर्ट, दूसरा है आपका थिरुपारप्पू वाटरफॉल्स, जो कि 50 फीट हाइट से आपको ये झरना देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। और तीसरा है आपका सुनामी मॉन्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये 3 चीजें जो है ये आप डे नंबर 2 पे कवर कर सकते हैं अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं। लेकिन अगर आप 1 दिन का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको आइटनरी बता दी कि आपको कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है और कैसे कैसे आपको विजिट करना है। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि कन्याकुमारी घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 1 दिन का ट्रिप बनाते हैं और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, तो आपका जो एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 1500 से 2000 रुपए आएगा और आप पूरे कन्याकुमारी को भली भांति एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों इस फेयर में मैंने आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। इसके अलावा जो भी वहां खर्चे होंगे, होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, ऑटो के खर्चे, जो कि आपका ऑटो वाला 400 से 500 रुपए लेगा और इन सारी जगहों को घुमा देगा, उसके खर्चे, आपके फेरी के खर्चे और आपकी जो भी एंट्री टिकट्स रहेगी, इन सब के खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति का 1500 से 2000 रुपए में आप आराम से कन्याकुमारी को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था कन्याकुमारी यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो आप कौन सी यात्रा की चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, विश यू सेफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।